इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। ये खूबसूरत नज़ारा है अलीगढ़ नुमाइश का। अलीगढ़ नुमाइश के लाल ताल का ये नज़ारा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम एक एपिसोड रात में भी करेंगे और उसमें आपको दिखाएंगे कि अलीगढ़ की नुमाइश क्या कहती है। आज के एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि आज 20 दिन हो चुके हैं नुमाइश को, नुमाइश में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इस अलीगढ़ की नुमाइश में इन 20 दिनों में घटा, क्या क्या इस नुमाइश में हुआ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लाल ताल पर हमने ये देखा कि इससे पहले जब नुमाइश लगती थी तो लाल ताल पर झूले या खाने पीने के जो स्टॉल्स होते थे वो नहीं होते थे, लेकिन इस नुमाइश में हमने देखा कि काफ़ी ऐसे स्टॉल्स हैं जो कि खाने पीने के यहाँ पर हैं और साथ में झूले भी लगे हुए हैं। ये खूबसूरत नज़ारा लाल ताल से लिया गया है जो कि लुक्कड़ बाज़ार का है, हुल्लड़ बाज़ार का ये नज़ारा खूबसूरत नज़ारा है आपके स्क्रीन्स के सामने। आइए चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा गेट पार करने के बाद, पहला गेट जो मेन एंट्री गेट है नुमाइश का, उसके बाद ये दूसरा गेट है जिसको हमने पार कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आइसक्रीम की शॉप्स हैं, सॉफ्टी वगैरह की। अगर पूरा राउंड में आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं कि भीड़ है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। इतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ सालों पहले जो नुमाइश लगती थी, हालांकि लास्ट ईयर तक जो नुमाइश में थी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे कि पहले एपिसोड में शूट किया गया था कि भीड़ बहुत कम थी, रात में भी हमने देखा था भीड़ नहीं थी। अब 20 दिन इस नुमाइश को गुजर चुके हैं तो भीड़ है, काफ़ी भीड़ नुमाइश में है। हम ये कह सकते हैं कि जैसी इसकी स्टार्टिंग थी उस स्टार्टिंग से बेहतर इस वक्त ये नुमाइश का नज़ारा है, लोग आपको देख सकते हैं। हालांकि पहले हम देखते थे कि हमें चलने की जगह नहीं होती, जो स्पेस आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन्स के, ज़मीन को आप देख रहे हैं तो ज़मीन हमें नहीं दिखती थी, इतनी भीड़ होती थी पहली की नुमाइश में, लेकिन इस बार वो भीड़ देखने को हमें नहीं मिल रही है। आसपास की ये शॉप से आप चलते हैं झूलों की तरफ, देखें कि झूलों का क्या रुख है। तो झूले जो हैं साहब रुके हुए हैं, इस वक्त रुके इसलिए हैं क्योंकि झूले खाली हैं, झूले अभी भी खाली हैं। हमने देखा कि ज़्यादातर झूले खाली हैं, झूले के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भीड़ है, लेकिन झूले में ज़्यादा लोग नहीं बैठ रहे हैं। इसके बराबर वाला झूला है वो भी खाली है। तो जैसे कि हमने बताया था कि स्टार्टिंग में कि नुमाइश हल्की थी, भीड़ बड़ी दिख रही है, और भी जगह लोग दिख रहे हैं हमें, लेकिन इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां झूलों का जो नज़ारा है वो खाली है। इससे पहले जो पहला एपिसोड हमने किया था उसमें भी आपको दिखाया था, दिन में शूट किया था, उसमें भी झूले खाली थे, झूले लोग नहीं झूल रहे थे, आज भी झूले खाली हैं। तो हो सकता है कि झूले वालों को इस बार भारी नुकसान उठाना पड़े क्योंकि पब्लिक झूलों में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। ऐसा नहीं है नहीं बैठ रही है, लेकिन इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर झूले नहीं दिख रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं कुछ खाने पीने की तरफ। ये झंडा होटल वाली लाइन है, ये खाने की लाइन है, इसको भी चेंज किया गया है। कुछ साल पहले हम देखते थे कि झंडा होटल्स और ये खाने के नज़ीर होटल होते वो अलग होते थे, लेकिन इस बार इनको दूसरी साइड पे रखा गया है, ये कुछ चेंज हैं। आइए उद्योग विहार चलते हैं, ये उद्योग मंडप है जहाँ पर बड़ी बड़ी शॉप्स आती हैं। मेरे सामने ये रामचंद प्रेमचंद का एक स्टोर है और आगे मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से नज़ारा। देखिए अलीगढ़ की नुमाइश का बहुत खूबसूरत है और इसको खूबसूरत बनाते हैं ये बड़े बड़े झूले। हालांकि झूले चल रहे हैं लेकिन पब्लिक इसमें नहीं दिखी थी। तो फिर चलते हैं हम अब बाहर की गेट की तरफ, तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव के साथ। जय हिंद।